नमस्कार, आप देख रहे हैं निशन वन और मैं हूं आपके साथ ऋषभा। उत्तराखंड की एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, उत्तराखंड मंत्रिमंडल में जल्द ही एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भाजपा आलाकमान ने मंत्रियों और विधायकों की एक गोपनीय रिपोर्ट मांगी है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही भाजपा आलाकमान इस पर अपना बड़ा फैसला सुना सकता है। वहीं मंगलवार को दिल्ली में मौजूद रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और साथ ही कैबिनेट विस्तार और फेरबदल पर चर्चा की। पूरी जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसार, किसे मिलेगी गद्दी, कौन होगा कैबिनेट से बाहर, भ्रष्ट मंत्रियों की लगेगी बात जब भाजपा आलाकमान खड़ी करेगा खाट, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का ऑन हुआ अलर्ट मोड, मंत्रियों और विधायकों की मांगी गोपनीय रिपोर्ट। उत्तराखंड मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि पहले भी सीएम धामी खुद जल्द कैबिनेट विस्तार के संकेत दे चुके हैं। वहीं भाजपा आलाकमान ने सीएम से मंत्रियों और विधायकों की रिपोर्ट मांगी है। नियुक्तियों में किए गए गड़बड़ घोटाले के मुख्य सस्पेक्ट प्रेमचंद अग्रवाल और पिछले दिनों विवादों में घिरी रेखा आर्य, गणेश जोशी जैसे नाम हिटलिस्ट में होने की संभावना है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इन मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। मंत्रिमंडल में किसकी एंट्री और किसका एग्जिट होगा, इसको लेकर सियासी बाजार गर्म है। आपको बता दें, धामी मंत्रिमंडल में 3 पद खाली हैं। पिछले कुछ दिनों से इन खाली पदों को भरने के लिए कैबिनेट विस्तार चर्चाएं गर्मा रही थी। कैबिनेट में मिल रहे फेरबदल के संकेतों पर धामी सरकार के मंत्री गणेश जोशी का भी बयान अब सामने आ गया है। गणेश जोशी ने फेरबदल को लेकर मीडिया से बात की है। धामी कैबिनेट में फेरबदल पर गणेश जोशी ने कहा कि पार्टी हाईकमान इस बारे में जो भी फैसला लेगा वो प्रदेश और जनता के हित में होगा, उसमें मैं नहीं बोल सकता। आज देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिमंडल में किसको राजगद्दी देता है और किसको बाहर का रास्ता दिखाता है। चलिए, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए निशन वन।